मेरी पित्त की थैली में सर पथरी है। हाँ जी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था हाँ। तो मेरे को डॉक्टर ने एक तो 10 mm की स्टोन बताइए, गॉल ब्लैडर स्टोन, और एक 12 mm गॉल ब्लैडर स्टोन बताइए सर। तो सर्जन के पास मैं गई थी, सर्जन ने बोला या तो आप ओपन सर्जरी करा लीजिए या एंडोस्कोपी सर्जरी करा लीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं कोई सर्जरी कराऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे कोई ऐसा होम रेमेडी या घरेलू उपाय बताएं जिससे मुझे कोई सर्जरी ना करानी पड़े। क्या क्या दिक्कत होती है आपको? मुझे जी कच्चा होता है, उल्टी आती है, मुझे मन बहुत खराब होता है, पेट पे हमेशा दर्द रहता है मेरे, बहुत परेशान हूँ सर। ओके, आप बिना सर्जरी के बिना दवा के ठीक हो सकते हो, बशर्ते कि आप कुछ बातों को फॉलो कर लो। मैं 4 पॉइंट बताता हूँ आपको, 4 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए तो 3 महीने में आपकी पित्त की थैली की पथरी ठीक हो सकती है, अगर आप इन 4 चीज़ों को फॉलो करेंगे। क्योंकि आपकी गलतियों की वजह से ही पित्त की थैली में पथरी हुई है, ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुई, और आप इसे ठीक कर सकते हो, ये 100% पॉसिबल है। तो उसके लिए मैं 4 चीज़ बताता हूँ आपको, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, इन 4 चीज़ों को फॉलो करना है ना। तो मैं उसके लिए बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यह है कि आपको क्या खाना है, तो खाने में आप फाइबर्स वाला खाना लो, जैसे हरी सब्जियां हैं, मूंग की दाल है, खिचड़ी, दलिया, रोटी, उनसे पित्त की थैली में पथरी नहीं बनती है। हमारी पित्त की थैली है, गाल बटर है, इसमें स्टोन इकट्ठे हो जाते हैं अगर हम मनमर्जी की चीज़ें खाएंगे। और अगर हम फायदेमंद चीज़ें खाएंगे फाइबर्स वाले खाने, फाइबर्स का काम है झाड़ू लगाना, अंदर से क्लिनजिंग करना, बॉडी को डिटॉक्स करना। तो मैं तो चाहता हूँ कि सुबह सुबह अगर आप, जैसे एक ये पत्थर चट्टे का पत्ता है, तो इसके ऐसे ऐसे 2 पत्ते या तो चबा के खा लें या फिर इनका जूस ले सकते हैं, आधा ग्लास पानी में जूस निकाल के इसे ये रेसते हैं। और एक जैसे बहुत सारे पत्ते होते हैं, इनमें से 5-6 तरह के पत्ते इनका जूस भी ले सकते हो, जैसे सहजन के पत्ते हैं, मीठे नीम के पत्ते हैं, और ये मीठा नीम हो गया, सदाबहार के पत्ते हैं, ये अमरूद के पत्ते हैं, ये आंवले के पत्ते हैं, इसी तरह से पालक भी हो सकती है, इसमें थोड़ी मेथी भी हो सकती है, इन पत्तों का जूस भी आप आधा ग्लास जूस ले सकते हो। या फिर जैसे कभी कभी खीरे का जूस ले लिया, गाजर का जूस ले लिया बना के, चुकंदर का जूस ले लिया, ये भी ले सकते हैं आप, इनसे बड़ा फायदा मिलेगा। उसके अलावा आपको केवल सिंपल खाना हरी सब्जी, दाल, रोटी, खिचड़ी, दलिया खाना है, लेकिन आपको सफेद रंग की चीज़ों से बचा रखना है। एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेने, आपको दूध दही ना लें बिल्कुल भी, फिर आप चावल आलू ना लें, आलू, शकरकंदी, चावल, ये सफेद रंग की चीज ना लें, फिर चीनी और नमक से भी दूरी बना के रखें, जितना कम लेंगे उतनी जल्दी आपकी पीसीडी भी ठीक होगी, पित्त की थैली की पथरी, और वजन भी बड़ी तेजी से कम होगा। और मेरे हिसाब से आपको इंटरमीडियंट फास्टिंग फॉलो करनी चाहिए, 8 घंटे ही खाना खाओ आप, उसके अलावा खाना ना खाओ, 16 घंटे आप खाली रहो, खाली पेट रहो, है ना। तो सुबह 10 बजे से पहले खाना ना लो, शाम को 6 बजे के बाद खाना ना लो, और मेरे हिसाब से 2 ही टाइम खाना खाओ, और दोपहर में फल या सलाद लेके काम चला लो, थोड़े से फल या सलाद ले लिया आपने, ऐसे काम चला लो। दूसरा क्या नहीं खाना, एक तो मैंने बता दिया सफ़ेद रंग की चीज़ ना लें, उसके अलावा बेकरी के प्रोडक्ट्स ना लें, और कोई बासी चीज़ ना खाएं, केवल ताज़ा खाना ही दोनों टाइम खाना है, उससे फ़ायदा रहेगा, ये ध्यान रखें। फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो सबसे बड़ी बात है कि शाम को जल्दी खाना खा के और वॉक करके आओ 4 किलोमीटर की, उससे आपको जल्दी नींद आएगी, तो जल्दी सोना आपको, रात को 9:30-10 बजे तक जरूर सो जाओ, और सुबह आपको उठना है 4:30-4 बजे, अगर डेडिकेशन आपके अंदर है, है ना। देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि महापुरुषों को पित्त की थैली की पथरी हुई हो, है ना, या स्वामी रामदेव जी को पित्त की थैली पथरी हो, या मुझे ऐसा हो, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बड़ी सदी हुई लाइफस्टाइल है। तो आपको भी लाइफस्टाइल मनमर्जी की नहीं रखनी, सदी हुई लाइफस्टाइल रखनी है। तो सुबह 4:30-4 बजे उठ के एक तो आप सुबह 2-2.5 घंटे योग करो, है ना, एक समय समय पर तिल के तेल से बॉडी की मालिश करो, जिससे कि आपके अंदर 4-5 किलोमीटर चलने की शक्ति आ जाए। डेली 4 किलोमीटर सुबह चल के आना, वॉक करनी है, 4 किलोमीटर शाम को करनी है, और धीरे धीरे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जॉगिंग करने लग जाओ आप। अगर जॉगिंग करोगे तो फिटनेस का लेवल बड़ा हाई हो जाएगा आपका, बड़ी हाई क्वालिटी की फिटनेस हो जाएगी, अभी आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, लेकिन जब 2-2.5 घंटे योग करोगे और सैर करो और मालिश करोगे बॉडी की, तब आपकी सैर करते करते धीरे धीरे मसल टोन, आपके जॉइंट अच्छे हो जाएंगे, सद जाएंगे जॉइंट आपके, फिर आप जॉगिंग भी कर पाओगे, उससे फायदा होगा। फिर आपको क्या नहीं करना, एक तो देर से नहीं सोना रात को, एक दिन में नहीं सोना, अगर दिन में नहीं सोगे आप, दिन में अपने आप को एंगेज रखोगे तो शाम को जल्दी नींद आएगी, जल्दी सो जाओगे, फिर सुबह जल्दी उठ जाओगे, तो दिन में सोने से बचना है, ये इंपॉर्टेंट काम है। बाकी तो अब आपकी इच्छा है, जैसे भी आप ठीक हो, बाकी समय समय पे कुल्थी की दाल भी आप ले सकते हो, कुल्थी की दाल भी ऐसे खा सकते हो, उससे बड़ा अच्छा रहेगा, आप हफ्ते में 2 बार वो बना लो, और पत्थर चट्टे का पत्ते का जूस ही अलग है, अदरवाइज इसमें कोई दवाई का काम नहीं है। क्यों होती है पित्त की थैली की पथरी? अगर मैंने जो मनमर्जी का खाना खा लिया, जो खाना खाया पेट की नली में से होता हुआ, दिल के पीछे से होता हुआ, लीवर में के सपोर्ट के से वो पाचन होता है उसका, छोटी आंतों में, फिर बड़ी आंत में जाता है, जब छोटी आंतों में खाना आता है तो जो पित्त की थैली की पथरी है इसमें से पित्त निकलता है, वो भोजन को पचाता है। अगर ऑपरेशन कर लेते हैं तो जो भोजन को पचाने के लिए पित्त चाहिए वो बन नहीं पाएगा, उससे भी फिर थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशन चलते रहते हैं। इसलिए आप अगर आप बचा सकते हो तो बचा लो अपने लेबर की उसको गाल ब्लैडर को, जिससे कि आगे पाचन हमेशा ठीक रहे, और ये पॉसिबल है, 3 महीने लेंगे आप, ऐसा करके देखो, बड़े सारे लोगों का हुआ है। अगर आप घर में ऐसा कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप घर में आपको लगता है कि मैं 4 काम नहीं कर पाऊंगी, फिर आप 1 हफ्ते के लिए पतंजलि योगपीठ जाओ, हरिद्वार जाओ,
वहाँ पे जाके जैसी लाइफस्टाइल वहाँ पे माहौल मिलेगा, वहाँ पे योग आसानी से हो जाएगा सारा, सुबह शाम योग भी हो जाएगा, सिंपल खाना मिलेगा, वहाँ बड़ी जल्दी ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, फिर तो होनी होनी है। इसे जो ऑप्शन आपको पसंद है वो कर लो, ये बेस्ट वे आउट है। मैं तो ऐसे ऐसे लाइव सेशन करते रहता हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल है जगदम्बा बेबी केयर का, उसमें हर बीमारी के बारे में, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे मोटापा हो, चाहे कब्ज हो, चाहे फैटी लीवर हो, पीसीओडी हो, हर बीमारी को कैसे हम अपना खान पान रहन सहन सुधार के ठीक कर सकते हैं, चाहे थायराइड हो तो उसको आप पॉसिबल आप कर सकते हैं, सारी वीडियो आप देखें और सारे लोगों को शेयर करें, जिससे कि सब लोग कॉन्फिडेंट रहें और अपनी बीमारी को खुद ठीक करने का जज्बा रखें। थैंक यू।